कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस अक्सर सिंधी में करता हूँ, और मेरे जितने भी मैसेज होते हैं जो मैं मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो उसे मैं एक ड्रामा ही रूप देता हूँ। उसका एक ड्रामा बनाकर, एक वीडियो बनाकर अक्सर फेसबुक व्हाट्सएप पर देता हूँ, या यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है उस पर देता हूँ। लेकिन इस बार ये जो मैसेज है, ये जो मैं मैसेज बनाना चाहता था, मैं इसका भी ड्रामा बना रहा था, लेकिन मेरी ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं इससे अच्छे एक मैसेज को, उसका भी मैं एक ड्रामा बनाकर जो है लोगों के सामने पेश करूँ। तो मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया कि ये मैसेज मैं अपने व्यूअर्स के साथ फेस टू फेस बैठ कर करूँगा। तो आज मैं अपने घर पर ये एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो किस चीज़ पर मैं बना रहा हूँ, चलते हैं उस तरफ। तो आइए करते हैं बात। दोस्तों, हमारे माशरे में हम लोग अपने बेटे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, मास्टर प्रिंसिपल भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बेटे को कभी भी कोई आलिम नहीं बनाना चाहता। क्यों? ज़्यादातर लोग अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहते। हाँ, कुछ बनाते भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब नहीं बनाते, लेकिन ज़्यादातर नहीं बनाते आलिम। क्यों? क्योंकि हमने एक माइंड सेट रखा हुआ है कि ये जो मदरसे में उस्ताद हैं, जो भी उस्ताद है, वो शिया हो, सुनी हो, कोई भी बरेलवी हो, इनकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 होती है, 5,000 होती है। माशरे में इनकी क्या इज्जत करते हैं, हम लोग क्या इनकी इज्जत करते हैं, वो सबको पता है। इसीलिए हर आदमी अपने बेटे को कभी भी एक आलिम नहीं बनाना चाहता। ये किसने गंद फैलाया? हमने। तो हमें ही मिलकर अब इस गंद को साफ करना है, और हमने मिलकर ये जो है एक कोशिश करनी है कि हम उनका ख्याल करें, उनकी तनख्वाहों के बारे में ख्याल करें, उनकी इज्जत किया करें, ताकि आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहें। कल मैंने एक इमाम साहब के साथ कुछ देर बैठा, जो मस्जिद में इमाम साहब है, जो दीनी तालीम देने वाले एक इमाम साहब है। जब मैं उनसे मिला, मैंने कुछ देर उनके साथ बात की, तो मुझे उनकी बेबसी का पता चला। जो उनके साथ बेबसी है, जो उनके हालात थे, मैंने उनसे कुछ देर बात की, यकीन करो मुझे शदीद दुख हुआ कि यार किस आलम में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बात कर रहे थे 5,000 रुपये तनख्वाह है, 8,000 रुपये आजकल मदरसे वाले उस्तादों की तनख्वाहें हैं। ये हमारा दोस्तों इस्लामी मुल्क है। मैं ये नहीं कहता जमीयत उलमा इस्लाम या शिया या सुनी, नहीं, मैं सब जो भी दीनी तालीम देने वाले उस्ताद आए हैं, जो भी दीनी तालीम दे रहे हैं, मैं उन सब के लिए ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि यार देखें इनकी तनख्वाह कितनी होती है, 5,000 8,000, इसमें क्या होता है, 5-8 हज़ार में क्या क्या बनता है। दोस्तों, मुझसे जो हो सकता था, जो मैं कर सकता था, वो इस वीडियो बनाकर मैंने कोशिश की है। अभी इस वीडियो को आगे तक ले जाना और आगे शेयर करना, ये आपका फ़र्ज है। और अपने करीबी मदरसे के उस्ताद से मिलकर उनके हालात जानना और उनकी मदद करना, ये आपका हक है। मैंने अपना हक अदा करने की कोशिश की है, तो आप सब भी अपना हक अदा करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा।